लोग पकड़े गए और किस तरह से ये कार को अंजाम देते थे पूरा। थाना मिर्जा क्षेत्र में कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि एक गैंग है जो सात पहिया गाड़ी में सवारियों को बैठा करके और उनके साथ टप्पेबाजी करके जो भी वो सामान लेकर के आभूषण लेकर के अपने कपड़ों के बीच लेकर के चलते हैं, हम बहुत ही सफाई से उन्हें निकाल लेता है उनके सामानों का। और ये लोग कभी कभी ATM के आसपास भी घूमते रहते हैं और वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी लापरवाही करे और वो पैसे वगैरह अपनी डिक्की में या झोलों में रख के जाए उसे ये लेकर के चले जाते हैं। इसी गैंग को आज SOG टीम ने और थाना मेजा की टीम ने पकड़ा है और इनके पास से कुल 41,500 रुपये कैश और लगभग 1.5 लाख रुपये के सफ़ेद और पीली धातु के आभूषण बरामद किए गए हैं। इनके पास से कुछ नजायज बम भी बरामद किए गए हैं और ये गैंग जो है हाईवे पर काम करता है, न सिर्फ प्रयागराज बल्कि भदोही और मिर्ज़ापुर में भी इन्होंने वारदातें की हैं। इनका आपराधिक इतिहास और डिटेल में निकाला जा रहा है और पहले भी ये जेल जा चुके हैं भदोही और मिर्ज़ापुर। इसमें अभी कोई बाहर फरार भी है? ये जिस गाड़ी से वारदात करते थे वो मार्शल गाड़ी है और उसका मालिक अभी फरार है, अब जल्द बहुत जल्द उसे भी गिरफ़्तार किया जाएगा।